तो व्हाट्सअप इट्स बी अंकल सर, यू गाइस वाचिंग टू 99% यूट्यूब चैनल। बहुत दिन बाद, बहुत दिन नहीं, साथ अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक पे निकलने के लिए। यूट्यूबर के साथ मीटअप है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई, तो चलो जाते हैं अभी। आई होप ये गिर ना जाए, बस इसका ही व्यापार है। बाद बाकी वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और अभी हम जा रहे हैं तो बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ मीट करने, मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर है। आप लोग अभी गेस कर रहे हो कि हीरो भैया है, समी भैया है, बट नहीं, उससे भी बड़ा यूट्यूबर है। और आई जस्ट होप ये गिरे ना, बस, बाकी तो सही है, गिरेगा नहीं ना, बस वही है बात। क्योंकि फ़ोन तो मेरा है नहीं, अगर गिर जाएगा तो मेरा फ़ोन को दे देना पड़ेगा। ऊपर से ये फ़ोन मेरे को कभी मिलेगा नहीं। और हाँ, तो चलो हमें मस्त से जाते हैं। गाइस 1K करवा दो, एक बार बस चैनल मोनेटाइज हो जाए। GoPro से स्पॉन्सरशिप ले लूँगा भाई। तो मेरे बाइक में अभी 1523 किलोमीटर चल चुका है। और आप लोगों को ना एक चीज़ अभी लग रहा है इस व्यू पे कि ये मोबाइल भयंकर कहाँ से आ रहा है। तो मैंने मोबाइल माउंट इंस्टॉल किया है, उसका वीडियो बनाया नहीं। अब चाहते हो तो कमेंट करो, हम बना देंगे वीडियो इस पर। क्या रिएक्शन मिल रहा है, माँ कसम। ये चीज़ इस बाइक में बहुत अच्छा होता है कि रिएक्शन बहुत तेज़ मिलता है। गर्मी है भाई बहुत, एक दिन गर्मी एक दिन ठंडा, भाई ऐसा थोड़ी भी होता है भाई। तबीयत ऐसे ख़राब है सीज़न के लिए, ऊपर से ये भाई ये वेदर चेंज एकदम से भाई। अब देखो मिनी कूपर भाई, अब देखो रिएक्शंस। हर तरफ से सिर्फ हमें देखते हैं लोग। आई होप एंगल सही है, अगर नहीं है तो भाई माफ़ कर दियो। इससे अच्छा मेरे मोबाइल पे नहीं आएगा। इस बहुत ज़्यादा वाइड है। BMW के शोरूम कब आऊँगा इधर से 1000 लेने भाई। वो एक बाइक है, इकलौता बाइक है जिसे मैं पाने के लिए ना हर एक चीज़ कर सकता हूँ। ये जो बाइक मैं ओन कर रहा हूँ ना, ये एकदम से आ गया मेरे पास, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं RC 200 ओन करूँगा। और वो एक S1000 एक लौता बाइक होगा जिसे मैं पाने के लिए भाई तरस गया हूँ। बस लेना है उसे। सक्सेस स्टोरी तो तब पूरा होगा मेरा। अभी देखते हैं कहाँ है। बिग फैन सर बिग फैन। भाई अंकुश यहाँ पर अपना RC 200 न्यू जनरेशन लेके, ठीक है। तो भाई ने बोला था कि भाई आ जाएगा 5 मिनट में, बहुत टाइम लगा दिया आने में। अरे चिनार पार्क का जो जैम है ना, क्रॉसिंग का जो लोचा है, तो हम लोग का तो गाइस तब रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब फिर से देख लो अलग बार कि ये है पुराना वाला RC 200 जिसका फ्रंट लुक तो देख ही सकते हो, बहुत शार्प लुक है, एकदम मस्त सा लुक्स है। और नॉर्मल है पूरा। ये पीछे वाला ये काउल और सीट दोनों एक साथ है दिया हुआ, इसमें लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा लुक्स है इसका। और ये है इसका पूरा एनालॉग है, एनालॉग नहीं डिजिटल है, बट पुराना वाला डिजिटल है। RC 8 का डिस्प्ले ऐसा आता था पहले। और इसका हैंडल देख सकते हो थोड़ा शॉर्ट है। और इसमें एक चीज़ है कि मिरर पे इसका इंडिकेटर है, मेरा वाला नहीं है, मेरे वाला इधर साइड में है साइड। और इसका मिरर में एक डिफरेंस है कि ये मिरर बहुत छोटा है, मेरा वाला देखो भाई कितना बड़ा मिरर है। और ये बाइक ना थोड़ा स्लिम है, एकदम एक कॉम्पैक्ट सा बाइक है, बट ऑयल टैंक थोड़ा स्लिम है। और एक चीज़ नोटिसेबल कि मेरा वाला जो रेडिएटर फैन रहता है ना, वो इस साइड रहता है, भैया का साइड उस साइड है। अच्छा, पुराने वाले में मिडिल पे रहता था, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। और मेरे वाला ये सेम ही है। सीट हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑयल टैंक थोड़ा बड़ा लुक वाला है, 13.7 लीटर का आता है, पुराना वाला भी ऐसा ही आता था। और मिरर्स देख सकते हो, कैमरा के अंदर नहीं आ रहा है भाई, इतना वाइड है। और हैंडल बार भी उतना ही वाइड है। इसका सभी सही है, बस ये वाला लुक्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। पीछे वाला देखो पूरा शार्प था, ये वाला एकदम ऐसे हो गया। ये वाला जो था ऐसे शार्प होता है ना भाई, बहुत अच्छा लुक था। यही है भाई नोटिसेबल, और ऐसा वैसा कुछ है नहीं। और देखो इस साइड मेरा है और रेडिएटर फैन, ये देखो देखा, बस यही बात है। तो गाइस अभी ना हमें पता नहीं है कि कितने देर रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि मैं इधर आके देखा कि भाई रिकॉर्ड ऑन किया था, मोबाइल ऑफ कैसे हो गया। अरे चलो अभी जाते हैं। ये क्या पानी है? पॉल्यूशन कंट्रोल, हाँ ये पानी है भाई, अच्छा है। आई होप कि कैमरा एंगल सही है भाई, जल्दी से जल्दी कटवाओ, 1K कटवाओ, फिर हम लेते हैं। क्या लग रहा है भाई, भाई इसमें रात में एक अलग है मज़ा है, आई नो, बट इन द मॉर्निंग इसका जो मज़ा है नेक्स्ट लेवल है। DRS देख रहे हो दोनों का, DRS में ये ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है, मतलब इसमें एग्रेसिव ब्यूटीनेस दोनों एक साथ है। अब आई डोंट नो कैसा कि साउंड आ रहा है कि नहीं यार, इसमें कहाँ है भाई। अरे भाई इसके अंदर इतना अच्छी जगह है, ये तो हमें पता ही नहीं था भाई। भयंकर, इधर बाइक ले आने में ना मज़ा आएगा भाई, माँ कसम भाई ये जगह अच्छा है। वो देखो उधर ऐसा ही कंटिन्यू है। अच्छा बेटे देखो इस साइड से, देखो भाई देख रहे हो। पावर भी सेम ही है दोनों का। चलो अभी मुंशी जाता है गाइस, करते हैं। हाँ सामने से गाड़ी आ रहा है। हमने लॉन्च में गड़बड़ कर दी भाई। हमने लॉन्च में गड़बड़ कर दिया था। ओ देखो, ओ देखो देखो देखो, शो ऑफ देखो, शो ऑफ देखो इन लोग का भाई। अरे एक बार है ना, रोलिंग करते हैं। एक नंबर यार, एक नंबर। सेम ही है भाई, उतना फर्क है नहीं। अरे इन लोग हमको देख के इतना खींच रहे हैं क्यों भाई? हाँ वही बनना होगा। स्प्लेंडर और पैशन प्रो से हम लोग को ओवरटेक कर रहा है भाई। तो अभी चलो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अभी हम लोग मुंशी आए इन दोनों को लेकर, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। मिलता है ऐसे ही किसी और एक दिन, ऐसे क्यों और एक न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए हम साइनिंग ऑफ भाई। मिलता है भाई।